नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रामनवमी पर महावीर मंदिर में भक्तों के लिए ये है खास। बिहार में लाइब्रेरियन के पद पर होगी बंपर बहाली। 25 अप्रैल से चलेगी पटना से रांची के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस। समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत शिक्षकों के मार्च महीने का वेतन जारी। मुंबई इंडियंस की कप्तानी में होगा बदलाव। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रामनवमी पर महावीर मंदिर में भक्तों के लिए ये है खास। कल यानी कि 30 मार्च को रामनवमी है, ऐसे में बिहार की राजधानी पटना में स्थित प्रसिद्ध महावीर मंदिर में भक्तों के लिए काफी कुछ खास इंतजाम किया गया है। बता दें कि इस बार रामनवमी को लेकर महावीर मंदिर की ओर से भक्तों के लिए मुफ्त बस सेवा उपलब्ध करवाई गई है। मालूम हो कि यह बस भक्तों को डाक बंगला चौक और महावीर मंदिर के सामने रेल इंजन के समीप से मिल जाएगी, जो वीर कुंवर सिंह पार्क तक ले जाएगी। वहीं भक्तों को भगवान को प्रसाद को अर्पित करने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जिनके हाथ में प्रसाद होंगे वे पंक्तिबद्ध होकर मंदिर के उत्तरी प्रवेश द्वार से प्रवेश करेंगे। वहीं प्रसाद को खरीदने में भक्तों को ज्यादा देर का समय ना लगे, इसके लिए कुल 14 काउंटर बनाए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंदिर की कपाट बुधवार की रात 2 बजे खुल जाएगी। समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत शिक्षकों के मार्च महीने का वेतन जारी। शिक्षा विभाग में समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों के मार्च माह का वेतन भुगतान के लिए राशि जारी कर दी गई है। बता दें कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर वैद्यनाथ यादव की ओर से राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को जारी आदेश पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है कि शिक्षक वेतन मांग पत्र के आधार पर समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों के मार्च माह के वेतन भुगतान के लिए आवश्यक राशि 4,37,26,54,861 रुपए की राशि GOB मद से जिलावार संलग्न सूची के अनुसार उपलब्ध कराई जा रही है। बता दें कि इस पत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिले में पूर्व से उपलब्ध राशि का जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के साथ सामंजस्य स्थापित कर समीक्षा करते हुए राशि प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर नियम के अनुकूल वेतन भुगतान कर राज्य कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे। पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस ने ली शपथ। आज यानी कि बुधवार की सुबह 9:30 बजे पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन को बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेरकर के द्वारा राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बता दें कि शपथ समारोह के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, पटना हाईकोर्ट के जज, अधिवक्ता व अधिकारीगण मौजूद रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीफ जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन ने पटना हाईकोर्ट के 44वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिया है। यानी कि अब चीफ जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन 2025 तक पटना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस संजय करोल की जिम्मेदारी संभालेंगे। मालूम हो कि इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा चीफ जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन को बधाई दी गई। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को मिली राहत। आज यानी कि बुधवार को जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर एक बार फिर से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी रावड़ी देवी और बेटी मिशा भारती दिल्ली में सीबीआई के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुई। इस दौरान कोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों की बात को सुना गया और फिर मामले की अगली सुनवाई 8 मई तक टाल दी गई और सीबीआई से कहा गया कि वे कब सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज लालू यादव कोर्ट के सामने सशरीर पेश नहीं हुए थे, बल्कि उनके वकीलों की ओर से कोर्ट में दलील पेश की गई। मालूम हो कि इस मामले को लेकर कोर्ट के द्वारा पिछली सुनवाई 15 मार्च को की गई थी और सुनवाई की अगली तारीख 29 मार्च को तय की गई थी। बोर्ड की साइट क्रैश होने पर ऐसे देखे बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट। कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट जारी होने के बाद कई सारे विद्यार्थियों के एक साथ एक बार में रिजल्ट देखने पर साइट पर लोड बढ़ जाता है और ऐसे में साइट क्रैश कर जाता, जिसके बाद विद्यार्थियों को रिजल्ट देखने में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे मौके पर विद्यार्थियों के पास अपना रिजल्ट देखने के लिए एक और विकल्प मौजूद है। बता दें कि बिहार बोर्ड की ओर से छात्रों को सुविधा पहुंचाने के लिए डिजी लॉकर का विकल्प उनके सामने रखा गया है। यानी कि अब 10वीं के विद्यार्थी रिजल्ट जारी होने के बाद डिजी लॉकर के माध्यम से भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों को अपने फोन में डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड करना होगा और फिर मोबाइल नंबर के माध्यम से ऐप पर लॉगिन कर BSEB टैब पर जाना होगा। इसके बाद यहां पहुंचकर विद्यार्थी अपना परिणाम देख सकते हैं।
तमिलनाडु पहुंचे मनीष कश्यप। तमिलनाडु में बिहारियों के साथ हिंसा का कथित रूप से वीडियो वायरल करने के मामले व अन्य मामलों को लेकर मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद अपने रिमांड पर ले लिया है। बता दें कि आज मनीष कश्यप को सुबह 6:53 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच पटना के आदर्श केंद्रीय कारा बेउर जेल से तमिलनाडु पुलिस के द्वारा सारी कागजी कार्रवाई पूरी करके तमिलनाडु ले जाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तमिलनाडु में मनीष कश्यप के ऊपर अदालत में पेश किया जाएगा और फिर उसके बाद तमिलनाडु पुलिस के द्वारा मनीष कश्यप से पूछताछ की जाएगी। मालूम हो कि तमिलनाडु के नगरी थाने में मनीष कश्यप के खिलाफ बिहारियों की पिटाई और फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में 3 केस दर्ज है। वहीं तमिलनाडु के अन्य थानों में भी मनीष कश्यप के खिलाफ 3 केस दर्ज है। बिहार बोर्ड 12वीं के स्क्रूटनी आवेदन का आज आखिरी दिन। अगर आप भी उन विद्यार्थियों में से हैं जो अपने बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा में आए नंबर से संतुष्ट नहीं है तो आज का दिन आपके पास आखिरी मौका है। दरअसल आज स्क्रूटनी करने का अंतिम दिन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्क्रूटनी प्रक्रिया की शुरुआत 23 मार्च 2023 को हुई थी जो कि 29 मार्च यानी कि आज तक रहेगी। अगर आपने अब तक स्क्रूटनी के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आज ही यह काम कर ले। इसके लिए इच्छुक विद्यार्थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की आधिकारिक वेबसाइट बिहार बोर्ड ऑनलाइन .bihar.gov.in पर जाकर प्रति विषय 120 रुपए के साथ आवेदन कर सकते हैं। 25 अप्रैल से चलेगी पटना से रांची के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस। पटना से रांची जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। बता दें कि 25 अप्रैल से बिहार की राजधानी पटना से रांची के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होने वाली है। बता दें कि इसके लिए ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट और क्रू मेंबर के प्रशिक्षण की शुरुआत कर दी गई है। मालूम हो कि रेलवे की ओर से इस ट्रेन का परिचालन नए रूट पर किया जाएगा। वहीं अगर इस ट्रेन के खुलने के समय की बात करें तो रेलवे के अनुसार ट्रेन संभावित रूप से पटना से सुबह 6:45 बजे खुलेगी और दोपहर 1:45 तक रांची पहुंच जाएगी, जिसके बाद यही ट्रेन दोपहर 2:30 बजे रांची से खुलेगी और पटना रात 9 बजे पहुंचेगी। बता दें कि इस ट्रेन का परिचालन सप्ताह में 6 दिन होगा। बिहार में लाइब्रेरियन के पद पर होगी बंपर बहाली। बीते दिन मंगलवार को बिहार विधानसभा में बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा घोषणा की गई कि जल्द ही राज्य में बड़े पैमाने पर नव उत्क्रमित उच्च विद्यालय से लेकर महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के लिए लाइब्रेरियन की बहाली की जाएगी। बता दें कि शिक्षा मंत्री के इस ऐलान के बाद उन अभ्यर्थियों की आस जग उठी है जो लाइब्रेरियन बनने की इच्छा रखते हैं। मालूम हो कि ऐलान बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद के द्वारा उठाए गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में पिछले करीब 1.5 दशक से लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती नहीं की गई है। 27 वर्ष बाद थाने के मालखाने से रिहा हुए भगवान। बिहार के आरा सिविल कोर्ट के एडीजे 3 सतेंद्र सिंह के आदेश के बाद बरहड़ा प्रखंड के कृष्णागढ़ ओपी के मालखाने से 27 वर्षों बाद अष्ट धातु की बनी भगवान हनुमान और संत बरबर स्वामी की मूर्ति को बाहर निकाला गया है। बता दें कि इस दौरान भारी संख्या में मौजूद भक्तों के द्वारा मूर्तियों की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना कर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बता दें कि अब इस मूर्ति को गुंडी गांव स्थित श्रीरंग नाथ भगवान के मंदिर में पुनर्स्थापित किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि इन मूर्तियों को 29 मई 1994 को चुरा लिया गया था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा इस मूर्ति को नगर थाना क्षेत्र के भलुहीपुर गौसगंज बाधार के चोचा बाग स्थित एक कुएं से बरामद किया गया था और उस समय से यह मूर्ति कृष्णागढ़ ओपी के मालखाने में ही रखी हुई थी, जिसके बाद अब यह मूर्तियां मालखाने से बाहर आ चुकी हैं। सीएम नीतीश ने राहुल गांधी के मामले पर तोड़ी चुप्पी। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म किए जाने के बाद सभी पार्टी की ओर से अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी गई, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा इस मुद्दे को लेकर कुछ नहीं कहा गया था। वहीं अब लगभग 4 दिन बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सम्राट अशोक की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने इस मामले को लेकर साफ साफ कह दिया कि वह पिछले 17 साल से सरकार चला रहे हैं। इस दौरान कई केस हुए, लेकिन मैंने अपने इस कार्यकाल के दौरान एक बार भी कोर्ट के द्वारा किसी मामले पर दिए गए फैसले पर सवाल नहीं उठाया है और न ही कोई टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा कि मैं भविष्य में भी ऐसा नहीं करूंगा। दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर पूर्व सीएम मांझी करेंगे ये। माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति बाबा दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बाबा दशरथ मांझी उद्यान एवं सेवा संस्थान की ओर से बिहार के गया जिले से दिल्ली तक निकाली जाने वाली पदयात्रा में शामिल होंगे। बता दें कि यह पदयात्रा 1 अप्रैल को दिल्ली में प्रवेश करेगी। वहीं जैसे ही यह यात्रा दिल्ली में प्रवेश करेगी, वैसे ही जीतन राम मांझी भी पदयात्रियों के साथ जंतर मंतर तक पदयात्रा
करेंगे। बता दें कि इस बात की जानकारी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रजनीश कुमार के द्वारा दी गई है। इनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस पदयात्रा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा। कांग्रेस की ओर से आज यानी कि 29 मार्च से केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। बता दें कि यह मोर्चा केंद्र सरकार के खिलाफ 8 अप्रैल तक जारी रहेगा। मालूम हो कि यह मोर्चा कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के द्वारा आम जनता के जमा पूंजी व बैंकों के पैसों को अडानी पर लुटाने, राहुल गांधी के संसद सदस्यता को छीन जाने और केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ शुरू की गई है। बता दें कि इस बात की जानकारी बिहार कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौर के द्वारा गई है। कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ आज से शुरू की गई इस मोर्चे का नाम जय भारत सत्याग्रह रखा गया है। बता दें कि इसके तहत आज कांग्रेस की एससी एसटी विभाग, अति पिछड़ा विभाग और अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा जिलों में अंबेडकर मूर्ति और गांधी मूर्ति पर एक दिवसीय सत्याग्रह का आयोजन किया जाएगा। मुंबई इंडियंस की कप्तानी में होगा बदलाव। 31 मार्च से आईपीएल की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में मुंबई इंडियंस को एक बड़ा झटका लग गया है। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चलते आईपीएल के कुछ मैचों से बाहर हो सकते हैं। बता दें कि ऐसे में उनकी अनुपस्थिति में मुंबई इंडियंस की कमान सूर्य कुमार यादव के हाथों में सौंपी जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई इंडियंस आईपीएल 2023 का पहला मैच अपना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ 2 अप्रैल को खेलकर करेंगे। मालूम हो कि यह मैच बैंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी बुधवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मिट्टू कुमार राज, अभिषेक राज, कुमारी संजना, रंजीत मिश्रा, रवि कुमार राम, उमेश ऋषिदेव, कुश कुमार यादव, पवन सिंह, कन्हैया कुमार, हिमांशु कुमार, शंकर मुखिया, मोटो रंगीला, नुन्नू गोलू कुमार, रविशंकर, संजीत कुमार सुमन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार दशरथ मांझी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए या नहीं। आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।